मुंबई में शर्जिल इमाम के समर्थन में की गई नारेबाजी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 1 फरवरी को आजाद मैदान में देश विरोधी नारेबाजी करने वाले टुकड़े गैंग की पोस्टर गर्ल उर्वशी चूड़ावाला समेत 50 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। उर्वशी चूड़ावाला पर आजाद मैदान में देश के खिलाफ और देशद्रोह के आरोपी शर्जिल इमाम के समर्थन में नारे लगवाने का आरोप है। एक फरवरी के इस वीडियो पर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया था। सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा था, ये कौन लड़की है जो मुंबई के आजाद मैदान में देशद्रोह के आरोपी शर्जिल इमाम के समर्थन में नारेबाजी कर रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की नियत पर सवाल उठा दिए थे। 48 घंटे से पुलिस टुकड़े टुकड़े गैंग के इस पोस्टर गर्ल की तलाश कर रही थी। आखिरकार सोमवार को इस लड़की का पता चला। इसका नाम उर्वशी चूड़ावाला है। पेशे से उर्वशी सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन इसने आजाद मैदान पर जिस तरह से देश के टुकड़े टुकड़े करने की वकालत करने वाले शर्जिल का समर्थन किया, उसके बाद इस पर कानूनी शिकंजा कस गया। उर्वशी चूड़ावाला के खिलाफ देशद्रोह के साथ 4 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। उर्वशी पर आजाद मैदान में शर्जिल इमाम के समर्थन में नारेबाजी करने का आरोप है। उर्वशी के साथ साथ 50 लोगों के खिलाफ भी देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। आजाद मैदान के एक नहीं कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें उर्वशी चूड़ावाला साफ साफ शर्जिल के समर्थन में नारेबाजी करते दिख रही है। सियासी बवाल मच गया था। बीजेपी सरकार से धर्म संकट पर सवाल कर रही थी, उद्धव ठाकरे की देशभक्ति पर सवाल उठा रही थी। 48 घंटे के अंदर महाराष्ट्र के गृह मंत्री को यह बताने के लिए सामने आना पड़ा कि सरकार इस मामले को हल्के में नहीं ले रही। मंत्रालय से बिल्कुल लग करके जो आजाद मैदान है, वहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग इस प्रकार के नारे देती है, तो हमारा महाराष्ट्र की सरकार को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से सवाल है, क्या इस प्रकार के नारे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे सहन करते? उर्वशी चूड़ावाला ये लड़की कुछ 3-4 लड़कियों को लेके वहां पे घुस गई और उन्होंने एंटी नेशनल नारे लगाने की वहां पे कोशिश की। उर्वशी चूड़ावाला है, उसके ऊपर हम कानूनन कार्रवाई करेंगे। एफआईआर हो चुकी है। और वशी चूड़ावाला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में एमए की छात्रा है और वशी पहले से ही शर्जिल की समर्थक रही है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालने पर पता चला कि वो शर्जिल इमाम के समर्थन में डाले गए पोस्ट को लगातार शेयर और रीट्वीट कर रही थी। 1 फरवरी को जब LGBT वाले आजाद मैदान में अपनी रैली निकाल रहे थे, तो उर्वशी चूड़ावाला अपने सहयोगियों के साथ वहां पहुंची थी, नारेबाजी करने लगी। अब इस रैली को आयोजित करने वाले क्वेर आजादी मूवमेंट ने भी उर्वशी चूड़ावाला से अपने आप को अलग कर लिया है। केस दर्ज होने के बाद अब उर्वशी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। राजीव सिंह, इंडिया TV, मुंबई।